देखिए, एक बात बता दें कि सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाने का मतलब ये है कि सिर्फ दिखाना नहीं है, दिखाने का मतलब ये है कि इसकी रीडिंग आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सर्किट डायग्राम होता है उसे रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। रीड करने का मतलब उसे पढ़ा जाता है, जैसे आप कोई एक किताब पढ़ते हैं, आसानी से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो सेम सर्किट की भी एक रीडिंग होती है। जब आप सर्किट डायग्राम की रीडिंग जब आपको आएगी, तो आप कहीं भी कोई भी सर्किट अगर कहीं भी यूज़ किया गया है, वो चाहे LCD LED TV हो, चाहे इन्वर्टर हो, तो या हमारे कोई अलग डिवाइस, कहीं भी आप जाएंगे, वो चाहे SMD हो, कोई भी हो, वहाँ पे आप जब रीडिंग आपको आएगी, तो रीडिंग से क्या होता है कि पहले आप उसके ट्रेसिंग करते हैं। ट्रेस करने का मतलब आप उस समय रीड कर रहे होते हैं। जैसे ट्रेस आउट करने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेस आउट का मतलब ये हुआ कि ये सॉकेट है जहाँ पे आउटपुट है, अब यहाँ पे हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग, अगर कोई भी डायग्राम अगर कंप्लीट बनता है, तो उसके अलग अलग सेक्शन होते हैं। जब उसकी हम रीडिंग करते हैं डायग्राम की, तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे हमको यानी मल्टीमीटर का प्रॉब लगाना है, और कहाँ से एक लाइन क्लियर हो जाएगी कि ये सेक्शन हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। यानी कि अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आता है, या कोई भी नया भी अगर आप कोई भी डिवाइस अगर बनाते हैं, तो उसमें भी ये किया जाता है कि जब वो सही से वर्क नहीं करता, तो उसकी जो फॉल्ट है या उसमें जो कमियां हैं, इसी तरीके से ढूंढा जाता है कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और ये जब कंप्लीट हो जाता है, जब फॉल्ट क्रिएट होता है, तो भी उसी अनुसार जो है हमको ढूंढना पड़ता है। इसीलिए एक TP आप बना सकते हैं, जिसे टेस्ट पॉइंट कहते हैं, कि सबसे पहले हम कहाँ चेक करेंगे कि अगर चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो अगर हो रही है तो भी यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। और आपको जब इसके बारे में मालूम रहेगा, तभी आप जान पाएंगे कि यहाँ वोल्टेज मिलना चाहिए। अब वोल्टेज की बात आती है, कौन सा वोल्टेज, यानी AC भी है और DC भी है, और DC भी है तो प्रॉब कहाँ लगाएंगे, यानी एक ही इन्वर्टर में AC भी है और DC भी है, लेकिन अगर हम AC को चेक करते हैं तो कैसे प्रॉब कहाँ लगाएंगे, और DC को चेक करते हैं, ये थोड़ा है कि मान लीजिए हम बैटरी पे प्रॉब लगा दिए और AC पे चेक कर रहे हैं। ये मल्टीमीटर लिए, मल्टीमीटर को ऑन किए, मल्टीमीटर में दो प्रॉब है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक ब्लैक है एक रेड है। इसमें येलो है, येलो का मतलब ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वायर, वायर से क्लियर है, एक हमारा रेड है एक ब्लैक है। अब यहाँ पर रेंज आया गया, अगर ऑटो रेंज है तो आपको यहाँ पे कोई भी रेंज सेलेक्ट नहीं करना है, अगर ऑटो रेंज मल्टीमीटर नहीं है तो यहाँ पे आप AC के रेंज में करेंगे। अभी AC के रेंज पे हो गया मल्टीमीटर, अब हम क्या करेंगे, ब्लैक का प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे, हम इस उंगली से इसे पकड़ लेते हैं प्रॉब को, और यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे लगाने के बाद, यहाँ का मतलब हुआ न्यूट्रल पे लगाएंगे, न्यूट्रल पे लगाने के बाद सीधे यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट पे आएंगे। देखिए यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आया, वोल्टेज नहीं आएगा इसलिए कि ये व्हाइट बोर्ड पे है, इसको जब इन्वर्टर पे बताएंगे तो वोल्टेज आएगा। सॉरी। देखिए यहाँ पे ब्लैक प्रॉब लगाए, अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे अगर चार्जिंग, जैसे आप इन्वर्टर का मेंस दिए और उस समय इंडिकेशन आके जला, और यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगा कर रखे, जैसे यहाँ पे अगर सप्लाई आई तो ठीक, अगर नहीं आई ब्लिंक करने लगा आगे इंडिकेशन, फिर आप प्लग को निकाल दीजिए, फिर फ्यूज के इस सॉकेट पे पहुंचिए या इस पॉइंट पे पहुंचिए जहाँ पे हमारा जो कनेक्टर है मेल, तो वहाँ पे क्या होगा कि सप्लाई आनी चाहिए।